नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं गीति लेकर हाजिर हूं पहाड़ समाचार। लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पेट्रोल के दाम में आज फिर इजाफा, डीजल भी हुआ महंगा। पेट्रोल की खुदरा कीमत 35 पैसे बढ़ी। दिल्ली में गर्मी से कुछ राहत, उत्तर भारत में तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट का अनुमान। यूपी में जिला पंचायत अध्यक्ष के इलेक्शन में बीजेपी का दबदबा, सीएम योगी बोले 2022 में जीतेंगे 300 से ज्यादा सीटें। महाराष्ट्र में पालघर में भारत केमिकल्स प्लांट में विस्फोट, कई लोग हुए घायल। रफ्तार बनी कार, सोनभद्र में रफ्तार का कहर, कार और मैजिक में भीषण टक्कर, हादसे में 19 लोग हुए घायल। करते हैं शुरुआत पहाड़ समाचार के साथ। उत्तराखंड में 4 महीने के अंदर तीसरा मुख्यमंत्री चुनकर भाजपा ने चुनावी साल में युवा चेहरे पर दांव खेला है। खटीमा सीट के युवा विधायक पुष्कर सिंह धामी रविवार को प्रदेश के 11वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। धामी के नाम की घोषणा करके भाजपा केंद्रीय नेतृत्व ने एक बार फिर सियासी पंडितों को चौंका दिया। मुख्यमंत्री पद की दौड़ में गिने जा रहे दिग्गज नेता सतपाल महाराज, त्रिवेंद्र सिंह रावत, धन सिंह रावत समेत कई बड़े नाम निर्णायक क्षण में बिछड़ गए। तो उत्तराखंड में आज सीएम योगी नए सीएम शपथ लेंगे। तो पुष्कर सिंह धामी नए सीएम उत्तराखंड के चुने गए हैं, जिसके बाद वो आज शाम 5 बजे सीएम पद की शपथ लेंगे। तो पुष्कर सिंह धामी की जहां चर्चा इतनी ज्यादा नहीं थी, उस बीच पुष्कर सिंह धामी को चुनकर सबको चौंका दिया। बता दें कि संवैधानिक संकट नहीं बल्कि ये सीएम बदलने की वजह भाजपा ने मौका देकर एक तीर से सीधे 5 निशाने भी कर दिए हैं। कहीं ना कहीं ये बिल्कुल साफ है कि जैसा भाजपा और उसके तमाम बड़े नेता दावा करते हैं कि संवैधानिक संकट की स्थिति के कारण ये निर्णय लेना पड़ा, उसमें कोई दम नहीं है। वास्तव में ये संवैधानिक नहीं बल्कि पार्टी का भीतर रणनीतिक संकट भर था। इस बात को भी दर्शाता है कि भाजपा ने प्रचंड बहुमत के बाद कोई विशेष कारण न होने के बावजूद बार बार मुख्यमंत्री बदले। तो ये इतिहास रहा है लगातार देखते भी आए हैं उत्तराखंड में कि भाजपा का कोई भी मुख्यमंत्री अपना कार्यकाल नहीं पूरा कर पाता है। उसके बाद 7 मुख्यमंत्री उत्तराखंड में बदले जा चुके हैं। तो संविधान की जिस धारा 151A का हवाला देकर पार्टी उपचुनाव ना होने सके की बाध्यता बता रही है, उसके तहत ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। बता दें कि नए मुख्यमंत्री को चुन लिया गया है। पुष्कर सिंह धामी को बीजेपी के चुनाव के पहले चुना गया है और ये दांव क्यों खेला गया है चुनाव से पहले, ये भी काफी ज्यादा अहम है। तो वहीं इस खबर पर हमारे साथ इस वक्त संवाददाता विनोद जुड़ चुके हैं। विनोद, मैं आपसे आना चाहूंगी, पुष्कर सिंह धामी को सीएम बनाकर बीजेपी ने चुनाव से पहले आखिरी दांव खेला है और वो दांव क्या है? जी, मैं आपको बताता हूँ कि भले ही मुख्यमंत्री की पृष्ठभूमि युवा, तेज और तर्रार छवि के जरूर हो, लेकिन राह आसान नहीं है। कोरोना का भीषण संकट काल और 2022 में विधानसभा चुनाव के लिए चुनौतियां हैं, प्रदेश में मोबाइल खड़ी हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने जो है चुनावी दांव खेला है। जी 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 विनोद जी, पुष्कर सिंह धामी का चेहरा किस तरह से सूझा भाजपा को, क्योंकि नाम की इतनी चर्चा नहीं थी। जहां बड़े बड़े दिग्गज इस दौड़ में थे, वहां पर पुष्कर सिंह धामी एक युवा चेहरा को सामने लेकर आए। मैं से जुड़ने के लिए, तो 11वें मुख्यमंत्री के तौर पर पुष्कर सिंह धामी को चुना गया है। बता दें कि कई बड़े दिग्गजों का नाम था इस रेस में, लेकिन उसके बावजूद इस चेहरे को चुनने पर आखिरी दांव जो है वो बीजेपी ने अपना खेल दिया है। जो आगामी चुनाव है उसको लेकर ये आखिरी दांव था बीजेपी का, जिसे उन्होंने चल दिया है।
विनोद आपको आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। पुष्कर सिंह धामी का नाम क्या लगता है आपको, किन वजहों के चलते इनका नाम लिया गया? क्योंकि इस रेस में जो थे बड़े बड़े दिग्गज नेताओं के नाम सामने आ रहे थे, लेकिन उसके बावजूद एक बड़ा सरप्राइज कह सकते हैं पुष्कर धामी का नाम जिस तरह से उप मुख्यमंत्री पद के लिए चुना गया। जी मैं आपको बता दूं कि पुष्कर सिंह धामी जो को नीचा चुनना क्षेत्रीय और जातीय समीकरण में उनके पक्ष में गया है, और मैं आपको बता दूं कि चुनावी साल में जीत को ध्यान में रखकर ही साधा गया है। वर्तमान में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ब्राह्मण और गढ़वाल मंडल से हैं, ऐसे में कुमाऊं मंडल से ठाकुर चेहरे के तौर पर धामी जी को भी आगे किया गया है। और सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि महाराष्ट्र के राज्यपाल कोश्यारी जी हैं, उनके करीबी हैं। पुष्कर सिंह धामी एक सैनिक पुत्र भी है, साथ ही उधम सिंह नगर के तराई क्षेत्र में सीटों को लेकर बनने वाले समीकरण को बतौर मुख्यमंत्री धामी की अहम भूमिका में दिखाई देंगे। इसी को लेकर जो है क्षेत्रीय संतुलन को लेकर जो है क्षेत्रीय संतुलन को साधने को लेकर पुष्कर धामी को उत्तराखंड की बागडोर सौंपने जा रही है भाजपा। जी बहुत बहुत शुक्रिया विनोद हमारे साथ जुड़ने के लिए। सिक्किम में सेना का वाहन खाई में गिरने से 4 जवान शहीद हो गए थे, जिसमें 2 जवान कुमाऊं रेजिमेंट के 7वीं बटालियन के थे। दुर्घटना में शहीद हुए ब्रिजेश रौतेला के पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव सरना के शमशान घाट पर सैन्य सम्मान के साथ पंचतत्व में विलीन हो गया। शहीद ब्रिजेश के पिता सेना मेडल प्रताप दलवीर सिंह भी भारतीय सेना में रह चुके हैं। ब्रिजेश की शहादत की खबर सुनते ही पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। सांसद अजय टमटा, ब्लॉक प्रमुख हीरा रावत, भाजपा नेता प्रमोद नैनवाल, सैन्य अधिकारियों व प्रशासन के अधिकारियों ने शहीद को पुष्प चक्र अर्पित किए। जो हमारे जवान युवा 1.5 साल की नौकरी में ही हम सबके बीच से चला गया, उसके पिताजी भी फौजी हैं, उसके परिवार में लगभग फौजी लोग हैं, छोटा भाई छोटी बहन भी हैं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि अचानक ऐसी घटना घट गई, मगर बच्चे ने राष्ट्र के लिए अपना समर्पण किया है। मैं उनको नमन करता हूँ, उनके माता पिता को नमन करता हूँ, और पूरे क्षेत्र के लोग इस दुखद घटना से बहुत आहत हैं। मैं सभी तरफ से उनके परिवार के लोगों को भगवान ईश्वर उनकी शक्ति बढ़ाए, उनको नंबर दे। एक जवान बेटे के जाने का एक राष्ट्र को नुकसान है, एक राष्ट्रीय संपत्ति के रूप में हमारा एक जवान। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 198 नए मामले सामने आए, वहीं 4 मरीजों की मौत हुई। इसके अलावा आज 187 मरीजों के ठीक होने के बाद घर भेजा गया है। वहीं सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 1821 पहुंच गई है। प्रदेश में अब तक कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या 3,40,646 हो गई, इनमें से 3,25,548 लोग ठीक हो चुके हैं। प्रदेश में कोरोना के चलते अब तक कुल 7,331 लोगों की जान भी जा चुकी है। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता विनोद जुड़ चुके हैं। विनोद, उत्तराखंड में क्या स्थिति देख पा रहे हैं कोरोना की, क्या अपडेट है? जी कीर्ति, मैं आपको बताता हूं कि उत्तराखंड में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 3,40,646 पहुंचा है, इनमें से 3,25,548 लोग स्वस्थ होकर डिस्चार्ज भी हुए हैं। अब तक बता दूं कि उत्तराखंड में 1,821 केस एक्टिव है, और ये भी बता दूं कि कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर की रोकथाम के बीच में अचानक से देहरादून में संक्रमण दर बढ़ 1% बढ़ गई है। बीते 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना के 158 नए मामले सामने आए हैं, इनमें से केवल 80 मामले देहरादून जिले के हैं। प्रदेश में संक्रमण दर महज 0.66% आई है। जी मैं आपको बता दूं कि वहीं दूसरी तरफ कृतिक ब्लैक फंगस के संक्रमण की बात करें तो फंगस संक्रमण से शनिवार को 4 नए मामले सामने आए हैं। ब्लैक फंगस के अब तक 506 मामले सामने आ चुके हैं, और 100 व्यक्तियों की अब तक ब्लैक फंगस से मौत हो चुकी है। जी विनोद, क्या लगता है किस तरह की स्थिति है अभी इस वक्त? जिस तरह से केसेस तो हालांकि घट रहे हैं, लेकिन लगातार ये चिंताएं जताई जा रही हैं कि थर्ड वेव जो है वो कहीं ना कहीं अब सक्रिय होती जा रही है, तो अभी कितने कंटेनमेंट जोन बचे हुए हैं और किस स्तर पर तीसरी लहर को लेकर काम किया जा रहा है? जी मैं आपको बता दूं कीर्ति कि उत्तराखंड में कोरोना को मात देने के लिए टीकाकरण का कार्य चरम पे है। अभी तक उत्तराखंड में 24 घंटे में 4,31,126 लोगों का वैक्सीनेशन हो गया है, और अब तक कुल टीकाकरण 8,61,076 लोगों का टीकाकरण हो गया है। कोरोना की रोकथाम को रोकने के लिए कल देहरादून
में लोगों की सरलता के लिए एक स्लॉट जो बुकिंग कराते हैं वो 7 बजे तक खोला गया है। और मैं आपको तो बता दूं कि उत्तराखंड में कोरोना पर लगाम लगाने के लिए जो है यहाँ पर विशेष आयोजन किए जा रहे हैं, जैसे दिव्यांगों के लिए विशेष टीकाकरण शिविरों का आयोजन हो रहा है, यहाँ तक कि रेलवे स्टेशन पर काम करने वाले वेंडर कुलियों को भी प्रश्न के आधार पर वैक्सीन की तैयारी की जा रही है। तो कुल मिला के जिस प्रकार जो है संभावना जताई जा रही है कि तीसरी लहर उत्तराखंड में भी आएगी, लेकिन इससे निपटने के लिए शासन प्रशासन स्थानीय सभी जो है जोरों पर है कि उत्तराखंड में कोरोना अब जो है अपना पांव पसार न सके, इसके लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कीर्ति, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार कोरोना के केसेस घट रहे हैं, लेकिन वही तीसरी लहर की चिंता भी लोगों के माथे पर चिंता की लकीर खींच रही है। पर्यटन नगरी मसूरी में वीकेंड पर भारी संख्या में सैलानियों के पहुंचने से जहां एक ओर व्यापारियों के चेहरे खिल गए, वहीं यातायात व्यवस्था को संचालित करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई। हालांकि नो पार्किंग जोन में खड़े वाहनों का पुलिस द्वारा चालान किया गया। बता दें कि कोरोना काल के बाद मसूरी में वीकेंड पर लगातार पर्यटक पहुंच रहे हैं, जिससे यहाँ के व्यापारियों को काफी राहत मिली है। देखिए, इस बार हमने एक्स्ट्रा फोर्स वहाँ पे डिप्लॉय किया था और हमारे सीनियर्स का भी जैसे डायरेक्शन हमें मिले थे कि वहाँ पर ट्रैफिक से भी हमने इंटरसेप्टर भी लगाई थी और हॉक्स भी लगाए थे, तथा साथ ही साथ हमने एडिशनल वहाँ पे फोर्स डिप्लॉय किया है और ये इंश्योर किया है कि हम डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पर ड्यूटी लगाए, जिससे कि पिछली बार थोड़ा सा देखा गया था कि कोई अपनी गाड़ी खड़ी करके चला जा रहा है, तो हमने वहाँ पर क्रेन भी भेजी है जिससे हम। उत्तराखंड में ई पास के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है। मालूम हो कि उत्तराखंड में अब रविवार के दिन ही कर्फ्यू है, उसके बावजूद भी उत्तराखंड बॉर्डर पर प्रवेश करने के लिए लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे बॉर्डर पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग चुकी हैं, जिससे यात्रियों को काफी दिक्कत हो रही है। कुछ यात्रियों का कहना है कि हमारे पास RT-PCR की निगेटिव रिपोर्ट है और COVID-19 सर्टिफिकेट है, ई पास भी मौजूद है, उसके बाद भी प्रशासन द्वारा ई पास की मांग की जा रही है, जो ई पास उनके पास मौजूद है उसको स्वीकारा नहीं जा रहा है। नए बनवाने के नाम पर बॉर्डर पर यात्रियों से 100 से लेकर 200 की डिमांड भी की जा रही है। STP वो PCR जो है उसका भी, सॉरी RT-PCR वो भी सर्टिफिकेट है, उसके बाद भी हमें लाइन में लगा दिया है। हमसे 200 रुपीज़ चार्ज किए हैं दो कारों के, बट उसकी कोई रिसीट इशू नहीं की है, कोई हमारे पास रिसीविंग नहीं है कि हमने उन्हें 200 रुपीज़ पे किए हैं। ये किस सिटी में जा रहा है नो आइडिया। गवर्नमेंट चार्ज कर रही है, रिसीट इशू नहीं कर रही है। तो ये पास बनाकर और RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट लानी होगी, और साथ ही साथ दोराहे बॉर्डर पे हमारे रजिस्ट्रेशन टीम है जो प्रशासन की तरफ से बढ़ाई गई है, वो लोग इसमें पूरी एंट्री करेंगे। उसके बाद उत्तराखंड के धनौरी में अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स जागरूकता सप्ताह पर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें अधिकारी ने वहां के लोगों से नशीले मादक पदार्थ का प्रयोग न करने की अपील की। आपको बता दें कि हर साल 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस मनाया जाता है। उत्तराखंड पुलिस ड्रग्स दिवस को 22 से 7 जुलाई तक साप्ताहिक जागरूकता अभियान के तौर पर चलाएगी। इस समय चूंकि ड्रग्स एंटी जो है सप्ताह चल रहा है 10 तारीख तक, तो लोगों को जागरूक किया जा रहा है, कहीं भी किसी गांव में अगर ड्रग्स वगैरह की कोई इस तरह के नशे का कारोबार फल फूल रहा है उसमें जनता से सहयोग की अपील की गई है। कोई भी इस तरह की सूचना अगर है किसी गांव की तो वो जो है हमें उपलब्ध कराएं ताकि हम उसमें एक्शन ले सकें। लोगों को जो है अभी सोशल डिस्टेंसिंग और उसके लिए कोविड की गाइडलाइन के लिए जो है लोगों को जो है जागरूक करने की बात कही है, लोगों से अपील की है कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का जो है विशेष ध्यान रखें। उत्तराखंड में राज्य आंदोलनकारियों को आरक्षण के तहत नौकरी नहीं दिए जाने से नाराज आम आदमी पार्टी सरकार का पुतला फूका। आपके वरिष्ठ नेता दीपक पांडे के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने शहीद स्मारक पर एकत्र होकर सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। दीपक पांडे ने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों ने अपने प्राणों को न्यौछावर करते हुए उत्तराखंड राज्य के लिए अपना बलिदान दिया है। उनकी शहादत के बाद भी राज्य आंदोलनकारियों को वो सम्मान आज तक नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। कई आंदोलनकारियों को आरक्षण के तहत नौकरी नहीं दी जा रही है क्योंकि हाई कोर्ट में सरकार ने अपना पक्ष मजबूती से नहीं रखा, जिसका खामियाजा राज्य आंदोलनकारी भुगत रहे। आम आदमी पार्टी राज्य आंदोलनकारियों की अनदेखी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर राज्य सरकार आंदोलनकारियों के हितों से जुड़े फैसले नहीं लेती है तो उनका आंदोलन और उग्र होगा। कि आप देख रहे हैं कि अभी जो हाई कोर्ट का जो आदेश आया है जिसमें हमारे आंदोलनकारी साथी थे जिन्होंने हमारे उत्तराखंड को बनाया है, आज उनको
जो यहाँ सरकारी सेवाएं दी जाने की बात हुई थी, आज उनको उसमें आरक्षण मिलना था, लेकिन आज तक 2011 से प्रकरण चल रहा है जिसमें आज हाईकोर्ट ने उसे कैंसिल कर दिया है। इसका मेन कारण यह है कि जो बीजेपी सरकार है वो अपने इन तथ्यों को मजबूती से नहीं रख पाई, हमारे आंदोलनकारियों को न्याय नहीं दिला पा रही है, वो कल आम आदमी को क्या न्याय दिला पाएगी? जिन्होंने इस उत्तराखंड को बनाया, जिन्होंने अपनी शहादतें दी हैं, जिन्होंने अपने परिवारों को बेघर कराया, यहाँ पे इतने लोगों ने जिन्होंने मिलकर आज उत्तराखंड बनाया, जिन्होंने आज हमें सम्मान दिया उत्तराखंड बनाने का, और आज जो बीजेपी सरकार यहाँ बैठ के सही अपना चला रही है शासन, उनकी बदौलत आज ये उत्तराखंड वासियों को बिल्कुल भी ना सम्मान दे रहे हैं ना। राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। नेताओं और मंत्रियों ने अपने अपने क्षेत्रों का दौरा करना भी शुरू कर दिया है। सरकार द्वारा कराए गए विकास कार्यों को लेकर जनता के बीच रखने में नेता कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन राज्य से दुर्भाग्य ये है कि जब चुनाव आते हैं तभी नेता और मंत्री जनता के बीच दिखाई देते हैं। चुनाव खत्म होने के बाद 5 साल कोई भी जनता की सुध लेने वाला नहीं होता है। पौड़ी जिले का पेयजल एवं रक्षा मंत्री शिक्षा मंत्री दौरा करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन फिर ये दौरा स्थगित कर दिया गया। ऐसे में लोगों का कहना है कि हम अपनी समस्याएं जब सरकार के लोगों को नहीं बता सकते तो फिर चुनाव में वोट देने का क्या फायदा। बीते दिनों उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में हुए बीजेपी प्रदेश मंत्री अमित वाल्मीकि के काफिले पर हमले को लेकर भाजपा ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। वरिष्ठ भाजपा नेता पवन कुमार चौहान ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन का फायदा उठाकर कुछ लोग देश का माहौल खराब करना चाहते हैं। उन्होंने भाजपा नेता अमित वाल्मीकि पर हुए हमले को शर्मनाक बताते हुए ये हमला किसानों ने नहीं बल्कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया है, ऐसा कहा। उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं पर जिस तरह कांग्रेस हमले करवा रही है वो बेहद शर्मनाक है। जो हम पहले से हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारा नेतृत्व तो कहते आ रहे हैं कि ये अराजकता कांग्रेस का काम है। इस देश में अराजकता फैला करके वो सोचते हम सत्ता में आ जाएंगे, जनता समझ चुकी है कांग्रेस पार्टी के गुंडे हैं सब, और जो किसान के नाम पर जो लोग बैठे हैं, हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरा भ्रमण रहा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग कहते हैं कि टिकैत का साथी या कोई नहीं है, यहाँ तो कांग्रेस के लोग उसकी टोपी लगा करके टिकैत का समर्थन करने जाते हैं और सोचते हैं टिकैत के कारण कांग्रेस की सरकार प्रदेशों में और केंद्र में आ जाएगी। वो उनकी भूल है। इस देश के जनता को हानि पहुंचाना, रास्तों को जाम करना, जिस मर्जी को पीटना, पेट्रोल डाल देना, आग लगा के मार देना, अपने ही कार्यकर्ताओं को मार देना, ये कहने के लिए कि किसे एक और किसान शहीद हो गया। लेकिन हरिद्वार जिले के भाद्राबाद ब्लॉक के सभागार में बीजेपी विधायक ने विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। ज्वालापुर विधायक सुरेश राठौर द्वारा 2017 से श्यामा प्रसाद मुखर्जी योजना के तहत कराए जा रहे कार्यों को लेकर अधिकारियों से चर्चा की गई। समीक्षा बैठक में कार्यों की गुणवत्ता और पूरे हो चुके हैं या फिर चल रहे कार्यों को कब तक पूरा होगा, इस बात पर विस्तार से जानकारी ली। विधायक सुरेश राठौर ने बताया कि भारत सरकार के द्वारा चलाई गई योजना के तहत धनौरी से इकबालपुर तक सड़क व नहर निर्माण के संबंध में यूपी सरकार से वार्ता कर ली गई है, जल्द ही उन कार्यों को पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि सिंचाई योजना के तहत बिहारीगढ़ से हाईवे बनाने की योजना को जल्द शुरू किया जाएगा। 2017 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी योजना हमारे यहाँ मेरी विधानसभा क्षेत्र में 3 गांवों में लागू हुई, जिसका शुभारंभ माननीय रमेश चंद पोखरियाल और मेरे और यतीश जी के द्वारा किया गया था बहादुरपुर जेट में। उस कार्य की हम समीक्षा कर रहे थे, कितने कार्य पूरे हो गए, कितने कार्य अवशेष हैं और कब तक वो पूरे हो जाएंगे, और गुणवत्ता का क्या मापदंड है, वो पूरा किया गया या नहीं किया गया, उसकी हमने समीक्षा की। आज CDO साहब नहीं आए, PD साहब बैठे हैं, इसकी जल्दी समीक्षा हम 10-15 दिन के बाद करेंगे ताकि CDO साहब आ जाएं। और काफ़ी हद तक काम हो गए, जो योजनाएं हमने लागू की हैं, जो अवशेष बची हम चाहते हैं उसको जल्दी जल्दी पूरा किया जाना चाहिए। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जहाँ हुए पार समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे, देखते रहिए प्राइम TV।